हुड्डा सर, दैया सर, देसवाल सर, हमारे बीच विक्की भाई साहब, मुद्गल सर, और आप सभी जो इस सभा में आज उपस्थित हैं, आप सबको मेरा नमस्कार। जैसे जयेंद्र ने बताया, हम हॉस्टल नंबर 2 में रहते थे और यक्षशाला का आयोजन होता था यूनिवर्सिटी कॉलेज के हॉस्टल में। तो हॉस्टल 2 से एक इमारत हमें दिखती थी और एक जिज्ञासा थी कि यहाँ पर होता क्या है। जैसे समय बीतता गया तो ये देखा कि शुक्रवार को कुछ युवा यहाँ इकट्ठे होते हैं, हवन होता है। ऐसे ऐसे फर्स्ट ईयर बीत गया। लगभग सेकंड ईयर की बात है, जयेंद्र और वीरेंद्र ने एक शाला में जाना शुरू किया। जयेंद्र ने आके मुझे बताया कि आपको भी एक शाला में चलना चाहिए। तो मैंने पूछा, भाई क्यों, मैं क्यों चलूं? 18-19 साल के युवा थे। जयेंद्र ने कहा कि वहाँ पे अच्छी शिक्षा मिलती है। मैंने कहा नहीं, ठीक है, मतलब गिव मी मोर रीजंस, कुछ और कारण बता कि मैं क्यों चलूं। इसने कहा चलो और छोड़, तू गुलाब जामुन के लिए चल। तो मैंने कहा भाई कितने बजे चलना है? तो इसने मुझे समय बता दिया। मैंने कहा इतना समय तो गुलाब जामुन के लिए नहीं दिया जाएगा। इसने मुझे फॉर्मूला बताया, कहता भाई तू यज्ञ के टाइम होता तू गुलाब जामुन ही टाइम आ गया। जिस टाइम गुलाब जामुन आ गया तो 15 मिनट पहले आ, तो गुलाब जामुन के लिए आ रहे थे। तो जैसा जयेंद्र ने कहा, मेरी शुरुआत भी यज्ञशाला में गुलाब जामुन के माध्यम से हुई। लेकिन उसके बाद जो जयेंद्र में मैंने बदलाव देखे, मैं पहले दिन जिस दिन हॉस्टल में आया, जयेंद्र मेरा रूममेट था, मैं इसको दिन में मिला। आप यकीन मानिए, ये उन विद्यार्थियों में था जो कई बार दिन में भी नशे का सेवन कर लेते थे। मैंने जयेंद्र का वो दौर भी देखा है और मैंने जयेंद्र का वो दौर भी देखा यज्ञशाला में। इसने एक बार कसम उठाई, ये गुरुजी की बातों से इतना प्रभावित हुआ, इसने एक बार कसम उठाई और उसने नशे को एक सेकंड में छोड़ा। मैं माफी चाहूंगा आपकी पर्सनल चीजें शेयर कर रहा हूं। बीड़ी पीता था, सिगरेट पीता था, शराब पीता था। शराब भी कोई मिल जाए, ऐसा नहीं कि भाई अंग्रेजी पीनी है, देसी भी पी लेता। लेकिन जैसे इसने वहां पर एक बार कमिट किया, इतना स्ट्रॉन्ग विल पावर मैंने आज तक किसी का नहीं।